एक गाड़ी रेडी करने से क्या क्या सामान लगता है। तो देखिए मेरा यहाँ पे सब है, मास्किंग टेप, ठीक है, मास्किंग टेप है, तो वाला है, कैंची है, कटर है, हाँ, सोलर स्पीड है। तो गाड़ी रेडी करने के लिए ये सब सामान आप लोगों को जरूरी है। तो देखिए आप लोग एक गाड़ी को हम रेडी करेंगे आज स्टेपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिग्रीजिन से गाड़ी को क्लीन करेंगे। देखिए डिग्रीजिन दे के पूरा गाड़ी अच्छा से क्लीन करेंगे। तो फॉलो कीजिए। तो आज पूरा प्रोसेस आप लोगों को कलर करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे रेडी होगा, पूरा प्रोसेस को आप लोग अच्छा से देखिए अभी। तो देखिए उसके बाद, इसका बाद क्या चाहिए, इसके बाद मास्किंग टेप करेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा मास्किंग टेप फाड़ के आप लोग जिस जगह में आप लोगों का मास्किंग टेप नहीं जाएगा वो जगह में थोड़ा फाड़ के अच्छा से घुसा दीजिए। देखिए घुसा दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए फॉलो कीजिए। तो देखिए सब जगह में हम लोग मास्किंग टेप अच्छा से बैठा देंगे। देखिए तो जब जब आप लोगों को मास्किंग टेप अच्छा से बैठना पड़ेगा तो अच्छा से बैठा दीजिए। तो देखिए फॉलो कीजिए, सब जगह में अच्छा से मास्किंग टेप हम लोग लगाएंगे। देखिए दरवाजा पे है, दरवाजा में भी लगाएंगे। तो पूरा टेपिंग को देखिए, प्रोसेस को आप लोगों को मालूम चल जाएगा जो गाड़ी कैसे करके रेडी करना पड़ेगा। तो गाड़ी कैसे रेडी होता है, तो देखिए पेंट के लिए गाड़ी कैसे रेडी होता है, पूरा प्रोसेस है इसमें। तो देखिए पूरा मास्किंग टेप, देखिए अंदर में भी कलर जा सकता है, इसलिए अंदर में भी हम लोग मास्किंग टेप देंगे, वो भी 2 इंची का चारा, देखिए 4 इंची का देंगे। देखिए तो देखिए इसमें चौड़ा मास्किंग टेप डाल देंगे हम लोग। तो देखिए जहाँ पे जहाँ पे कलर जा सकता है वहाँ पे हम लोग कलर मास्किंग टेप देके अच्छा से कवरिश कर देंगे। देखिए तो जहाँ पे जहाँ पे कलर जाएगा वहाँ पे मास्किंग टेप देके कवर कर दिया। तो अभी क्या प्रोसेस है, अभी प्रोसेस है हम लोगों का यहाँ पे ओपीएस रोल का। तो देखिए ये ओपीएस रोल है, ओपीएस रोल लगाने से क्या होगा, आप लोगों का जो गाड़ी का दूसरा पार्ट है उसमें राफ नहीं जाएगा, और एक काम होगा आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा, और आप लोगों का डस्ट भी नहीं आएगा गाड़ी का। तो देखिए ओपीएस रोल कैसे करके कवरिश करना पड़ता है, पूरा गाड़ी को कवर करना पड़ता है वो देखिए, इसका कटिंग कैसा होगा वो भी प्रोसेस है, वो भी देखिए। तो फॉलो कीजिए पूरा प्रोसेस को। तो देखिए अभी कैंची देखिए पूरा गाड़ी हम लोग कटिंग करेंगे। देखिए तो जो कैंची है और कैंची देखिए हम लोग अच्छा से कटिंग किया। देखिए तो हम लोग का कटिंग कंप्लीट है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग 2 इंच 4 इंची मास्किंग टेप है उसको देखिए पूरा गाड़ी को कवर करेंगे। देखिए मास्किंग टेप को अच्छा से जो प्लास्टिक रोल है उसमें बैठा दीजिए, अच्छा से देख के कीजिएगा, कोई जगह पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है तो देखिए हर जगह में हम लोग मास्किंग टेप देके कवर करेंगे। देखिए तो इसका देखिए एक फिनिशिंग भी देखिए कितना अच्छा हुआ। तो आप लोग भी जैसे करके मैंने टेपिंग किया है तो आप लोग भी कीजिएगा, आप लोगों भी टेपिंग बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। तो देखिए नीचे में भी देखिए सब जगह में हम लोग मास्किंग टेप देके कवर करेंगे गाड़ी को। देखिए तो कमेंट में बताइए आप लोगों को मेरा काम कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा काम अच्छा हो तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो अगले बार आप लोगों को और भी कलर के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो किसी को कलर के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आप लोगों को। तो देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग सोलर स्पीड से अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए तो देखिए सोलर स्पीड देखिए पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। सोलर स्पीड से क्लीन करने से क्या होगा, आप लोगों का जो गाड़ी का ऑयल या हाथ का कोई घाम लग जाता है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सोलर स्पीड देखिए पूरा गाड़ी को अच्छे से हम लोग क्लीन करेंगे। देखिए तो अभी आएंगे हम लोग इसके बाद कलर का प्रोसेस में, तो कलर कैसे बनाता है वो प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग कलर बनाता है। तो देखिए अभी हम लोग कलर बनाएंगे, कलर के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एक कंटेनर, देखिए एक कंटेनर है, और ये एकावेश कलर है तो आप लोगों को प्लास्टिक का कंटेनर नहीं चाहिए, मेटल में नहीं होगा। तो देखिए तो अभी लाइन दे दिया अभी, तो अभी हम लोग कलर बनाएंगे स्टेरी ब्लैक।
इस कलर का नाम है स्ट्री ब्लैक। तो कलर बनाने के क्या चाहिए आप लोगों को, तो पूरा देखिए कलर कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला दुआ है, देखिए इस सेट कट बोलते हैं इसका, सेट कट का पीछे देखिए सबका फॉर्मूला है। देखिए तो हम लोग कलर बनाएंगे तो 100 ग्राम कलर बनाएंगे, 100 ग्राम बनाने के क्या करिए इस पर पॉइंट है, पॉइंट को आगे कर दीजिए बस, तो इसको आगे कर दीजिए, आगे करने से हो जाएगा। तो देखिए कलर के लिए सबसे पहले टिंडर चाहिए हम लोगों को 8948, ये 8948 है, देखिए 8948 टिंडर है। देखिए तो इसको 100 ग्राम में डालेंगे हम लोग 72 ग्राम, देखिए तो देखिए इसमें डालेंगे हम लोग कलर डाल रहे हैं 8948 इस टेंडर का नाम है। तो कलर जब भी डालना है ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम होने से भी चलेगा 1 ग्राम, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होने से बाद में आप लोग दे सकता है, ज्यादा होने से कैसे करें कम करेंगे वो नहीं होगा। तो एक चीज आप लोग याद रखना, जो जो कलर बनाता है तो ज्यादा नहीं गिनना चाहिए, और जब भी कलर डालना है तो देख के डालिए। तो देखिए 6 कलर मिलके 1 कलर बनेगा। तो अभी दूसरा कलर लेके आए हम लोग, देखिए नसरपुरी है 8920 है, तो सब में कलर जाएगा। तो देखिए डाल रहे हैं हम लोग, ये ज्यादा नहीं गया है, ये गया है हम लोगों का 7.3 ग्राम। तो देखिए अभी आएगा हम लोगों को PP06, ये PP06 है। तो देखिए PP06 है, ये भी जाएगा 2.5 ग्राम। तो देखिए फॉलो कीजिए जैसा कि मैंने कलर इसमें एप्लीकेशन किया है, आप लोग भी कीजिएगा। तो कलर कैसा होता है पूरा प्रोसेस आप लोग देखिए। तो देखिए PP5 है, तो 9988991 है, इसको बोलता है टोन कंट्रोलर, मैंने कलर को जो कंट्रोल करता है इस कंट्रोलर बोलता है इसको। तो देखिए फॉलो कीजिए, अभी हम लोगों को लाएगा 8950। तो देखिए 6 कलर मिलके 1 कलर हम लोग बना दिया, तो हम लोग का स्ट्रिप ब्लैक कंप्लीट है। तो अभी इसमें देखिए कलर डाल रहे हैं हम लोग 7.7 ग्राम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छा से मिक्सिंग करेंगे। देखिए एक स्केल लीजिए, स्केल लेके अच्छा से मिक्सिंग कीजिएगा, और कलर जब भी आप लोगों को बनाना है तो मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्सिंग हम लोगों का अच्छा हुआ। तो देखिए ये 500 थिनर, ये एक बेस में एक थिनर जाता है, देखिए ये एक थिनर है। तो देखिए फॉलो कीजिएगा, थिनर डाल रहे हैं हम लोग इसमें। तो कलर को अभी आप लोग अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो कलर कैसे बनता है तो आप लोगों को हम लोग बता दिया, आप लोग देखिए कलर कैसे आता है, मिक्सिंग भी हो गया हम लोगों का भी। तो देखिए एक कागज लीजिए जो स्केल में कलर है उसको भी अच्छा से खींच लीजिए, कलर कोई वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए आपका बेस कलर है, तो ये कपड़ा से पूछने से स्केल क्लीन हो गया। तो देखिए इसको कवर कर दिया, अभी इसमें गाल सेट करेंगे हम लोग। तो देखिए गान है, गान को हम लोग सेट करेंगे। देखिए तो देखिए फॉलो करिए, एयरटर है, एयरटर गान में सेट कर दिया। तो गान रेडी है, तो हम लोग अभी कलर के लिए जाएंगे। तो देखिए अभी कलर करेंगे, तो कलर करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले टैक पैड, टैक पैड से अच्छा से क्लीन कीजिए। देखिए याद देखिए अच्छे से क्लीन कीजिए, गाड़ी में जितना आप लोग क्लीन करेंगे आप लोगों का कलर उतना ही फिनिशिंग होगा। देखिए सबसे पहले कलर आप लोगों को मारना है जहाँ पे पाइमार है, उस जगह में कलर को अच्छा से मारिए। देखिए और गान का एक देखिए यहाँ पे एक दाग है, इसको 2 बार पूरा लॉक कर दिए, पूरा लॉक कर दिया।
तो ईआर प्रेशर भी हम लोग ले लिया, देखिए 20 से 30। तो अभी हम लोग कराल एप्लीकेशन करेंगे, देखिए तो अभी देखिए साइड में कोई जगह छूटा कि नहीं छूटा, उस साइड में वाली देखिए। तो अभी क्या करें, हम लोग को टाइम टाइम चाहिए मेकअप टाइम सूखने के लिए। कलर सूख गया है, कलर एकदम सूख गया है, तो कलर दूसरा कर हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, देखिए तो फॉलो कीजिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अभी चाहे इसको ही सूखने दीजिए, इसके बाद कंट्रोल कोड मारेंगे हम लोग। तो देखिए अभी होगा कंट्रोल कोड, तो कंट्रोल कोड कैसे होता है वो भी देखिए। कंट्रोल कोड के लिए आप लोगों को ईआर प्रेशर थोड़ा कम करना पड़ेगा, देखिए ईआर प्रेशर थोड़ा कम कर लीजिए और थोड़ा गान दूर से मारिए, देखिए थोड़ा दूर से मारिए। तो देखिए थोड़ा दूर से राप मार दीजिए, देखिए हल्का हल्का राप मार दीजिए, बस इसको बोलते हैं कंट्रोल कोड। कंट्रोल कोड 100% आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो अब इसको ड्राई होने दीजिए, ड्राई होने के बाद क्लियर कोड मारेंगे। तो देखिए ये 6208 क्लियर है, फास्ट क्लियर है। तो गान एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, पहले अच्छे से सेटिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन कीजिए। तो देखिए हम लोग क्लियर का एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले साइड में, पहले सब लोग साइड में मार लीजिए। साइड मारने के बाद आप लोग मेल पोस्ट में एप्लीकेशन कर दीजिए, देखिए फास्ट कोड। तो ये हो गया, तो इस थोड़ा रुकिए, थोड़ा ड्राई होने दीजिए। और फास्ट क्लियर तुरंत मार सकते हैं आप लोग, तो आप लोग 1-2 मिनट रुक जाइए, 1-2 मिनट रुकने के बाद फिर हम लोग फाइनल मानेंगे, देखिए। तो हम लोग फाइनल क्लियर एप्लीकेशन करेंगे, देखिए। तो देखिए फाइनल क्लियर हो रहा है मेरा। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आप लोगों को मेरा काम अच्छा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो देखिए आप लोगों का कोई डाउट है कि क्लियर अच्छा नहीं हुआ, फिर दूसरा को मत दीजिए हल्का से। तो देखिए मेरा डाउट था तो मैं और एक क्लियर कोड मत दीजिए, देखिए। तो अभी आप लोग देखिए अच्छे से देखिए, फॉलो कीजिए, देखिए एकदम नया जैसे बना दिया। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।